वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गवादर और कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज गवादर पहुँचेंगे, बारिश के नुकसानात का जायजा लेंगे, इमदादी पैकेज का ऐलान भी मुतवक्के है। शहबाज शरीफ कल कराची आएंगे, मज़ार-ए-क़ायद पर हाजिरी देंगे। जमेरात को काबीना की तश्कील को हतमी शक्ल दी जाएगी। गवादर से वापस आकर वज़ीर-ए-आज़म FPR से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। बलूचिस्तान में आज से बारिशों के नए स्पैल का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बर्फबारी से तबाही, अमवात की तादाद 35 हो गई। मरी में लैंडस्लाइडिंग, 5 घर तबाह। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक 46 घर तबाह, 346 घरों को जज्बी नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ मकामात पर कई राबता सड़कें बहाल न हो सकें, सयाहों और मकामी अफराद को मुश्किल। KP में मजीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बलाई और बस्ती पंजाब में भी आंधी और झालाबारी हो सकती है, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अमरीका पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद को कदर की निगाह से देखता है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इंतखाब पर रद्देअमल। कहा कि नई हुकूमत के मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने पर तवज्जो देंगे। पाकिस्तान के साथ देरीना शराकतदारी है, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमरीका के मफादात के लिए अहम समझते हैं। अमरीका ने मरियम नवाज को पंजाब की पहली खातून वज़ीर-ए-आला बनने को संगे मील करार दे दिया। मुल्क में हुकूमत साजी का मामला, MQM और मुस्लिम लीग नून में मामला तय ना हो सके। MQM का काबीना का हिस्सा ना बनने पर गौर, राबता कमेटी हतमी फैसला करेगी। MQM की राबता कमेटी इजलास आज होगा, सदारती वोटिंग का मामला भी जेर गौर आएगा। राबता कमेटी इजलास में काबीना और सदारती वोट से मुतालिक मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।